नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। आज समाचार विस्तार से। छठ पावन के दोसर दिन आय खरना, व्रती सब 36 घंटा के कठोर उपवास शुरू कर रहा है। चार दिनक ई पावन के दोसर दिन अर्थात खरना के दिन दिन भर उपवास बैस के साँझ में चंद्र दर्शन क चुकला बाद माटि के नया चूल्ही आ माटि के बर्तन में सखर दूध आ चाउर के खीर बना कर केरा के पत्ता में राख कर छठ माता के चढ़ाल जाय छे। एकर बाद व्रती आ परिवार के और सदस्य सब खीर के प्रसादक रूप में खाय छे। तत्पश्चात व्रती कठोर उपवास शुरू करे छे। पावन के तेसर दिन रवि के साँझ व्रती सब जलाशय में पहुँच कर डूबत सूरज के पहल अर्घ देत, आय के सौजुका अर्घ सेहो कहल जाय छे। एकर बाद सप्तमी के दिन अर्थात सोम दिन उगत सूरज के दोसर अर्घ देला बाद पावन विधिवत रूप में सम्पन्न होत, आय के भोरका अर्घ के संगे पारण सेहो कहल जाय छे। छठ पावन में मनाओल जाय वाला प्रसाद ठकुआ भुसवा सहित के मिष्ठान परिकार परिवारजन के घर में बजा कर खिएबाक आ अपन कर कुटुम्ब ल पहुँचेबाक सेहो परम्परा रहल छे। मिथिलांचल में सामा चकेवा पावनि आइ सँ शुरू भेल छे। खरना के दिन सँ शुरू होवय वाला सामा चकेवा पावनि कार्तिक पूर्णिमा के दिन सम्पन्न होयत। शहरी क्षेत्र में लोप होवय लागल सामा चकेवा पावनि ग्रामीण क्षेत्र में जेन तेन कयल जा रहल छे। भाई के दीर्घायु के कामना करैत ई पावनि मनाओल जाय छे। ई पावनि में बहिन सब सामा चकेवा चुगला सहित माटि के विभिन्न प्रतिमा बना कर बाँस के डाला में रह कर साँझ में एक ठाम जमा भ कर गीत गाबै छे। सामा चकेवा पावनि कार्तिक शुक्ल पंचमी सँ शुरू भ कर 10 दिन धरि चलै छे। पूर्णिमा में 11 दिन माटि के सतभैया चुगला सामा चकेवा लगात प्रतिमा भाई के हाथ से फोड़ल जाय छे। एकर बाद जोतल खेत आ वन में विसर्जन कयल जाय छे। स्कंद पुराण के अनुसार सामा के बाबू कृष्ण छल आ पति के नाम चारु वक्र छल। सामा के संबंध कोनो मुनि संग रहल कहत एक व्यक्ति बाबू कृष्ण के चुगली लगा देने छल। ई बात सुनला बाद कृष्ण क्रोध भ क बेटी के श्राप द क चिल्होर बना देने छल। चारु वक्र सेहो पत्नी संगे रह चिल्होर बनवाक वरदान मांगने छल। एकर बाद सामा के भाई चकेवा घोर तपस्या क के अपन बहिन आ पहुना के मनुष्य के रूप में घुराब सफल भेल छल। इहे मान्यता अनुसार सामा चकेवा पावन मनेबाक शुरू भेल बताओल जाय छे। सरकार बंद केने सामाजिक संजाल टिकटक बंद भेल वा नहि भेल अनुगमन कर नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण समितीय गठन केने छे। निर्णय कारण के लेल प्राधिकरण के निर्देशक विजय कुमार राय संयोजक रहल प्राविधिक समिति गठन कयल गेल छे। शुक्र दिन प्राधिकरण में बैसल बैठक राय के नेतृत्व में चार सदस्य प्राविधिक समिति गठन करैत टिकटक बंद के कारण प्रभावकारी बनाव के बताओल गेल छे। समिति में इंटरनेट सेवा प्रदायक सब के संस्था आईए स्पैन के अध्यक्ष सुधीर पराजुली सदस्य नेपाल सरकार संचार मंत्रालय के प्रतिनिधि आ सदस्य सचिव में प्राधिकरण के रोजा किरण वासुकला सदस्य रहल छे। समिति टिकटक बंद भेल वा नहि भेल 7 दिन भीतर अनुसंधान क के रिपोर्ट पेश करत। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल जलवायु परिवर्तन के कारण नेपाल में पड़ल असर न्यूनीकरण के लेल ध्यान देव विश्व समुदाय के अपील कलन अच्छे। नेपाल पर्वतारोहण संघ शनि दिन विश्व के सर्वोच्च शिखर सगरमाथा के आधार शिविर काला पत्थर में आयोजन कैन एक कार्यक्रम में बाजत ओ एना अपील कलन अच्छे। प्रधानमंत्री दाहाल संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के नेपाल भ्रमण से अपना जलवायु परिवर्तन से नेपाल में पड़ल नकारात्मक असर न्यूनीकरण के लिए जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघीय संरचना महासंधि के पक्ष राष्ट्र सब के 28वां सम्मेलन COP28 से बड़का सहयोग प्राप्त होबाक अपेक्षा कयल गेल सेहो बतौलन। ओ नेपाल में जलवायु परिवर्तन में पड़ल असर के विषय में सम्मेलन में स्पष्ट बात रखबाक सेहो बतौलन। जलवायु परिवर्तन को असर न्यूनीकरण निम्ति विश्व समुदाय को ध्यान जाओस्। छिटै COP28 जलवायु परिवर्तन संबंधी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुँदैछ। त्यसमा पनि जसरी केही समय पहिले संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव समेत आएर यस क्षेत्र को अवलोकन गर्नु भएको छ, जलवायु परिवर्तन को नकारात्मक असरलाई प्रत्यक्ष देख्नु भएको छ, मलाई लाग्छ त्यो COP28 मा नेपालको विषयमा नेपालको यहाँको हिमालको संरक्षणको निम्ति जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्नको निम्ति
ठूलो सहयोग हुने अपेक्षा सहित फेरि एकचोटि यो अविस्मरणीय कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा आयोजकलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। एहि अवसर में प्रधानमंत्री दाहाल खुम्बू क्षेत्र के विकास तथा विस्तार सगरमाथा के सरसफाई आ सुरक्षा के काज के प्रभावकारी बनेबाक लेल आवश्यक कार्यविधि बनेबाक आश्वासन समेत देलन। ओ काला पत्थर में झंडोत्तोलन सेहो केने छलथि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली लोकतांत्रिक गणतंत्र ऊपर औड़ी उठेबा काज कतौ से होबा नहीं होबा कहते चेतावनी दिलन है। दुर्गा परसाई के नेतृत्व में इहे अघन 7 गते काठमांडू में होबा जा रहल प्रदर्शन प्रति संकेत करते ओ लोकतांत्रिक गणतंत्र ऊपर औड़ी उठा वाला सबके एमाले तह लगेबाक समेत चेतावनी दिलन। पार्टी के जनसंगठन संयंत्र शनि दिन पार्टी मुख्यालय च्यासल में आयोजन केने विशेष जमघट में अध्यक्ष ओली प्रतिक्रियावादी शक्ति सब व्यक्ति के ठाड़ कर देश भर के लोग सब के काठमांडू में उतारवा काज के जोड़ तोड़ के साथ आगा बढ़ोल पर ऐसा काठमांडू में काठमांडू दुर्गंधित हेबा काज मात्र हेबाक सेहो बतौलन। हनीमून देश हो जसै कारण त तपाईहरु कारण त सरकार हो कारण त यो गठबन्धन हो यो गठबन्धन को सरकार हो यसका क्रियाकलाप हुन् यसले लिएका गलत नीति हुन् यसले अपनाएको गलत आचरण हो यी कुरा हुन् त्यस कारण यहाँ समाधान नखोजिकन अनि समाधान हामी कहाँ खोज्छौँ त्यसको जिम्मा हामी कसलाई बोकाउँ थोरै सङ्केत मात्रै गर्न खोजिया अहिले यो सङ्केत नेकपा एमाले हामीले ओली राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल नेपाली कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में काज कर रहल आरोप लगौने छलथि। राष्ट्रपति तनहू में पहुँच कर कांग्रेस में वोट राखल में धन्यवाद देने आ भूकंप प्रभावित क्षेत्र जाजरकोट में सेहो कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में पहुँचल ओली के जिक्र छल। ओ राष्ट्रपति पौड़ेल के सुय पदीय निष्पक्षता ऊपर प्रश्न उठल दावी करते अलोकतांत्रिक पक्षपातपूर्ण आ संविधान अंत करबा काज में लाग पड़ल सेहो आरोप लगौलन। सरकारी हेलिकप्टर में गए प्रधानमंत्री गए भाया थे मैं जाजरकोट होने माओवादी अध्यक्ष माओवादी का मंत्री माओवादी का सांसद माओवादी का नेता खाँदे हेलिकप्टर में गए अर्को दिन गृहमंत्री गए मैं तो गृहमंत्री गए भंडाने फिर ऊ छुट्यो भाई। अध्यक्ष ओली प्रधानमंत्री दहाल आ सरकार के मंत्री सब भूकंप प्रभावित क्षेत्र में जाकर माओवादी के अध्यक्ष आ मंत्री सब के रूप में काज केने कहत आक्रोश समेत व्यक्त केने छलथि। आ व्यावसायिक विश्राम विश्राम बाद बाकी समाचार लखे विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। नेकपा एमाले के महासचिव शंकर पोखरेल नेपाल के विदेशी सब के क्रीड़ा स्थल बनाब एमाले आ नेपाली सेना ऊपर प्रहार भ रहल बतौलन। शनि दिन पार्टी केंद्रीय कार्यालय च्यासल में आयोजित कार्यक्रम के संबोधन करते ओ एना बतौलन। ओ नेपाली सेना नेकपा एमाले कमजोर बनाव सकला पर राष्ट्र के विदेशी सबके क्रीड़ा स्थल बनाव सकल जा सकबाक मनसाई से नेकपा एमाले ऊपर प्रहार भ रहल बतौलन। यी दुईवटा शक्तिलाई कमजोर पार्न सकियो भने नेपाल राष्ट्रलाई विदेशीहरूको क्रीडास्थल बनाउन सकिन्छ पपेट बनाउन सकिन्छ नेपाल राज्यलाई भन्ने मान्यताका आधारमा नेकपा एमाले माथि प्रहार भइरहेको छ। हामीले भन्न सक्नु पर्दछ नेकपा एमाले यति बेला सरकारमा छैन तर प्रहारको निशानामा नेकपा एमाले र त्यसको नेतृत्व किन दुनियाँमा कहीँ यस्तो हुने गर्दछ। महासचिव पोखरेल राष्ट्र निर्माण के नया यात्रा आरंभ करवाक लेल आब नेकपा एमाले सबद युवा विद्यार्थी संगठन सब उठ रहल बतौलन। ओ अघन 7 किसिम से नेकपा एमाले के वार्म अप मात्र भेल सेहो बतौने छलथि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव नेत्र विक्रम चंद जनता के मुँह बंद कहकर सत्ता नहीं टिकबाक बतौलन। शनि दिन काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम के संबोधन करते ओ एना बतौलन।
ओ सरकार टिकटक प्रतिबंध लगाउने विषयमे ओ सामाजिक सञ्जालमे प्रतिबन्ध लगाएका सत्ता टिक रहत नै बुझस्यो प्रधानमन्त्री दाहालके चेतावनी देलन्। ओ सामाजिक सञ्जालके प्रतिबन्ध निरंकुश व्यवस्थाके चरित्र भेलस्यो बतलन्। ओ सत्ता जनताके मुँह बन्द कऽ कऽ नै भएका जनताके मन जितकऽ मात्र टिकबाक सेहो बतौलनि। ओ जनताके मुँह बन्द कऽ कऽ शासन चलायब कहबला सब जल्दिए अन्त हेबाक सेहो चेतावनी देलनि। बन्द गर्छन् होइन, मान्छेको मुख बन्द गर्ला जस्तो कि होइन, बोलिस भने त मान्छेले सुन्छन् चुप लाग भनेर हिँड्ने, यस्तो बुद्धिले हुन्छ त? फेसबुक बन्द गरेर या लेख्न नदिएर पत्रिका बन्द गरेर, यो त निरङ्कुश व्यवस्थाको चरित्र हो नि त। हिजो तपाईँको के गर्थ्यो भन्नुहुन्छ भने पेपर बन्द गरिदिने, पञ्चायतले तपाईँको सेन्सर गर्थ्यो कि, आफूले भनेअनुसार लेख नत्र लेख्न पाइँदैन भने जस्तो कि, यस्तो जो नि यसरी पनि हुँदैन। कैयौँ मान्छेहरू आत्तिको जस्तो, सत्ता पनि ढगमगा, जनताको मन जितेर पो सत्ता ठिक छ त? मान्छेको मुख बन्द गरेर सत्ता ठिक छ र होइन? जनतालाई असन्तुष्ट हुन दिने अनि सत्ता ठिकाउँछ भने हुन्छ त? कसरी पनि सक्दैन। त्यो जुनसुकै शासकले पनि त्यसरी सोच्छ भने त्यसको अन्त्य हुन्छ नि। तर हाम्रो भनाइ के छ भने आत्तिनुपर्ने कुरा छैन। नेपालमा महासचिव चन्द देश बचेवाक जिम्मा दोसर केओ नै लिनु पर्, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी देश बचेवाक जिम्मा लेवाक दावी कयलनि। ओ देशमे आब राजतन्त्र घुड्बाक बात सम्भव नै रहल सेहो बतौलनि। ओ सम्पूर्ण कम्युनिस्ट सब एक ठाउँमे ठाढ भेनाइ आवश्यक रहल सेहो बताउने छलथि। फिलिपिन्स के दक्षिणी क्षेत्र में 7.2 मैग्नीच्यूड के भूकंप गेल छे। शुक्र दिन बेरिया में दक्षिणी फिलिपिन्स के डामाओ ओक्सीडेंटल में 7.2 रेक्टर स्केल के प्रारंभिक भूकंप गेल। फिलिपिन्स इंस्टीट्यूट ऑफ ज्वालामुखी तथा भूकंप विज्ञान जानकारी दिलक है। बेरिया में 4:14 में भूकंप गेल जनाओल गेल छे। 10 किलोमीटर के गहराई में सारंगनी शहर से 30 किलोमीटर दक्षिण पश्चिमे केन्द्रबिंदु रहल बताओल गेल छे। इंस्टीट्यूट टेक्टोनिक भूकंप प्राकंप आयबाक आ क्षति पुगेबाक बताने छे। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।